हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दमदार 30 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लाइक कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आए तो, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियोज रोजाना मैं लेकर के आता हूँ, बहुत सारे सोर्सेज से, बहुत सारे न्यूज़पेपर से, न्यूज एजेंसियों से आपके लिए क्वेश्चंस इकट्ठा किए जाते हैं, उसके बाद लाए जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो उसको छाट करके लाया जाता है आपके लिए। तो आपकी जब इतना हेल्प हो जाती है वीडियो देखने से, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। इसके अलावा आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हो, क्विज आपको दी जाती है MZT एप्लीकेशन पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाओ, MZT ऐप डाउनलोड करो और इस वीडियो की फ्री में क्विज और डिटेल वाली PDF भी डाउनलोड करो। चलिए बात करते हैं लास्ट के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल तो नहीं गए। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का खिताब विल स्मिथ ने जीता था। ऑस्कर अवार्ड्स की पूरी लिस्ट मैंने बताई हुई थी, कल की वीडियो जाकर के देख लेना। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया, वर्ल्ड थिएटर डे। कोविड चैंपियन के पुरस्कार जीते हैं दोस्तों CIAL ने, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने, विंग्स इंडिया 2022 में। फीफा ने अपना ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस को बनाया हुआ है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें CM के रूप में शपथ ग्रहण किए। वहीं DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने दोस्तों एक सरफेस टू एयर मिसाइल का सेना संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ था। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने तेजस स्किलिंग परियोजना लॉन्च की UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, दुबई एक्सपो में। अब्दुल्ला खान हॉकी कप रेलवे की टीम ने जीत लिया है। रक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी हुई है। इसके अलावा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है और इसकी अध्यक्षता इस बार मेजबानी कर रहा है श्रीलंका, हालांकि ये वर्चुअल रूप से होगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में हमने कल वीडियो में बहुत ही अच्छे से जाना, आप देख सकते हो वीडियो। 26 मार्च को रात 8:30 बजे दोस्तों अर्थ और मनाया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर। अब बात करेंगे दो क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे पूछे हुए थे। ये दो क्वेश्चंस दोस्तों जो रोजाना पूछा जाता है, इसका आंसर भी आप जरूर किया करो। इससे आपको ये पता लगता है कि आपने कितना ध्यान से वीडियो देखा था, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो के बीच से, क्वेश्चंस के बीच से ये क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नागालैंड में हुआ था। कौन सा संस्करण था? 56वां था। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी हैं, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं और जियो टेलीकम्युनिकेशन के हैं। अनिल अंबानी दोस्तों अभी हाल ही में रिलायंस पावर से इस्तीफा दिए हैं और अभी रिलायंस कम्युनिकेशन में हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार करंट अफेयर की, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों आपसे कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। हाल ही में प्रमोद सावंत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हुए हैं। आपने अभी देखा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो 5 राज्यों में एक राज्य गोवा भी था, तो गोवा में ये CM के रूप में शपथ लिए। गोवा में ये 13वें CM हैं प्रमोद सावंत जी, और इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ग्रहण करी हुई है। तो 5 राज्य कौन कौन से थे जहां पर विधानसभा चुनाव हुए? मणिपुर था, गोवा था, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और था पंजाब। इन 4 राज्यों में BJP की सरकार बनी और पंजाब में दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। भगवंत मान जो हैं ये बनाए गए नए CM। तो आपको ये 5 राज्यों के CM, उनके गवर्नर, क्योंकि गवर्नर ने ही शपथ दिलाई थी, ठीक है, गवर्नर ही शपथ दिलाता है मुख्यमंत्रियों को, तो CM और गवर्नर पता होना चाहिए। वैसे 5 राज्यों पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, 5 राज्यों के चुनाव पर, आप उसको भी देख सकते हैं। प्रमोद सावंत जी दोस्तों दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के CM बने हुए हैं। याद होगा आपको जब दोस्तों मनोहर पर्रिकर जी का निधन हुआ था, उसके बाद इनको CM बनाया गया था, तब से ये थे वहाँ पर, और इस बार तो चुनाव जीत करके आए हुए हैं। तो गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या है 40, जिसमें से 20 सीटें अकेले BJP ने जीती हुई है, और इसके बाद फिर किसी एक के सहयोग से ये अब CM बन गए हैं। शपथ किसने दिलाई? श्रीधरन पिल्लई जी ने दिलाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, जो कि है कहाँ पर? पणजी में। अच्छा, इनका निर्वाचन क्षेत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है सांकेलिम। देखिए, आपको CM तो पता था, मुझे भी पता है कि आपको CM पता था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, इसके लिए ये क्वेश्चन लिया गया कि शपथ कहाँ पर दिलाई गई, दिलाई किसने, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, कौन से नंबर के CM हैं, ठीक है, कितनी सीटें जीती गई है। इसलिए आपको बताता हूँ कि डेली देखना वीडियो इम्पोर्टेंट है।
गोवा के बारे में फिलहाल जानते हैं। गोवा आप देखोगे तो इंडिया के मैप में यहाँ पर है छोटा सा राज्य गोवा, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में पड़ता है। पणजी इसकी राजधानी है। प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से नए सीएम, पीएस श्रीधरन पिल्लई गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। कारण ये है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के तहत ये भी आता है, ठीक है। अच्छा, गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, तो क्या ये भारत की सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य है? नहीं, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। क्यों? क्योंकि सिक्किम में दोस्तों 32 विधानसभा सीटें ही हैं। ओके, तो ये चीजें याद रखना है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो वैसे तो सबसे छोटा राज्य है, लेकिन विधानसभा सीटों की संख्या सबसे कम नहीं बता देना, ठीक है। अगला, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बलिकतन 2022 अभ्यास शुरू हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका और फिलीपींस के बीच में बलिकतन 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। ये फिलीपींस और अमेरिका के बीच में अब तक का बलिकतन नाम का जो सैन्य अभ्यास होता था, क्योंकि वार्षिक होता है, इसमें से ये इस बार का सबसे बड़ा होगा, ऐतिहासिक होगा। और ये देखिए इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिक्स में क्यों रखता है, क्योंकि दोस्तों ये ताइवान के पास हो रहा है, और ताइवान आप जानते हो कि चाइना इसको हड़पने की कोशिश में लगा हुआ है। ताइवान को वो अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान अपने आप को एक नया, एक अलग देश मानता है, ठीक है। तो इसके लिए अमेरिका सपोर्ट भी करता है ताइवान का, और ताइवान के पास ही फिलीपीन क्षेत्र में लुजोन में ये हो रहा है सैन्य अभ्यास। 28 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल 2022 तक ये सैन्य अभ्यास चलने वाला है, ठीक है। तो बलिकतन सैन्य अभ्यास अभी तक का जो इसका संस्करण हुआ करता था उसमें से सबसे बड़ा होगा। चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूँ ये एरिया है कहाँ पर। तो आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये है अपना प्यारा भारत, यहाँ पर चाइना है, और ताइवान जो मैं बात कर रहा था वो ताइवान यहाँ पर है छोटा सा, ठीक है। पृथ्वी गोल है क्योंकि, तो अमेरिका जो इधर आपको दिख रहा है ना ये इस साइड में ही है। तो जब यहाँ है, और फिलीपींस आप देखोगे यहाँ पर है। अब फिलीपींस और अमेरिका के बीच में यहाँ पर हो रहा है, इसकी जो नॉर्थ वाला जो द्वीप है ना यहाँ पर हो रहा है सैन्य अभ्यास। तो ये ताइवान के एरिया में, इस एरिया में ये लोग अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये अभ्यास कर रहे हैं। थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं इस मैप में। आप देखोगे यहाँ पर, आप देख पाओगे ये फिलीपीन का मैप है, फिलीपीन में यही है लुजोन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ इस जगह पर है ताइवान, तो यहीं लुजोन में हो रहा है सैन्य अभ्यास, ठीक है ना। तो लुजोन में जो पैसिफिक ओशियन में है, तो इस साइड में जब अभ्यास होगा तभी ये ताइवान को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, यानी यहाँ पर ये लोग अपना कैसे एक्सरसाइज करते हैं इसके लिए ये हो रहा है अभ्यास। क्लियर, समझ में आ गया। वैसे मनीला दोस्तों फिलीपींस की राजधानी है, और मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ADB का हेडक्वार्टर है, याद रखना है। अगला देखते हैं, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसने जीता? तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड अभी हाल ही में जीता दीपिका पादुकोण ने। हालांकि दीपिका पादुकोण के अलावा और भी बहुत सारे लोगों को मिला, 6 और लोगों को मिला, बड़े बड़े व्यक्तित्व थे, लेकिन वो सभी वैश्विक नेता थे। ये इंडियन है तो इनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इनको मिला है ये अवार्ड, ठीक है, टाइम 100 का इम्पैक्ट अवार्ड। दीपिका पादुकोण जी का एक दोस्तों इनका एनजीओ चलता है, कौन सा एनजीओ है? लिव लव लाव फाउंडेशन। तो लिव लव लाव फाउंडेशन के माध्यम से जो मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष से जो लोग जूझते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इनका जो काम होता है इनके एनजीओ का, इसके लिए ये अवार्ड इनको मिला हुआ है, ठीक है। इनके अलावा 6 और जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको मिला हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो अभी हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं और रेडबुल के खिलाड़ी हैं ये। तो इन्होंने जीत लिया है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। ये दोस्तों इस सीजन का दूसरा रेस था, ठीक है। पहली रेस जब अभी हुई थी तो चार्ल्स लेक्लेयर ने जीती थी, पहली रेस थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इस सीजन की। इस सीजन की दूसरी रेस ये है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस, तो इसको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, रेडबुल कंपनी से, और नीदरलैंड के ये रहने वाले हैं। चार्ल्स लेक्लेयर जो हैं ये फरारी के ड्राइवर हैं और मोनाको के रहने वाले हैं। मैंने एक नाम बताया था आपको, लुइस हैमिल्टन। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो इनके नाम से जरूर आपको कभी ना कभी गुजरना पड़ा रहा होगा। लुइस हैमिल्टन दोस्तों ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं, और कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रेट ब्रिटेन के ये रहने वाले हैं।
अब ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है। नाइटहुड की उपाधि बहुत बड़ा सम्मान होता है, नाम के आगे सर जुड़ जाता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं मिल गया इनको, क्यों मिला है? क्योंकि ये दुनिया के सबसे ज्यादा F1 रेस जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा बार, 7 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती हुई है इसमें। ठीक है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप क्या होता है, जब सीजन में बहुत ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार अगर आप फॉर्मूला 1 रेस जीत लेते हो उस सीजन का, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप माना जाता है। ठीक है ना, तो ये उसी का हिस्सा होता है एक रेस का। तो लुइस हैमिल्टन फिलहाल आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा F1 रेस जीतने वाले खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर है और ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अच्छा, फॉर्मूला 1 2021 पर मैंने ट्रिक बना करके रखी हुई है आप लोगों के लिए, लेकिन बस उसकी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। ट्रिक बन गई है, पेपर में है और जल्द ही आपके सामने होगी। अब कोशिश की जाएगी, जल्द लाया जाएगा। ठीक है, वैसे तो प्लान ये था कि इस बार का सीजन का फॉर्मूला 1 रेस शुरू होने से पहले ही उसको बना दूं, लेकिन वो डिले होता चला गया बस। अगला, हाल ही में किसने क्लेरिफाई लाइफ नामक पहल की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने दोस्तों क्लेरिफाई लाइफ नामक एक पहल शुरू किया हुआ है। ये क्लेरिफाई लाइफ क्या होगा? क्लेरिफाई लाइफ जो है एक डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम होगा जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाएगा। बीमा से जुड़े जो भी जटिल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको सरल भाषा में कर करके लोगों को समझाएगा। जो कस्टमर होंगे इसके, उनको आकर्षक स्कीम इसकी बताएगा, सीधी भाषा में समझाएगा कि आपको मरने के क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। फिलहाल इस अभियान को सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की इनकी प्लानिंग है। ओके, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC बैंक के बारे में आप जानते ही होंगे। HDFC बैंक ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें या ओवरऑल सेक्टर में बात करें, सबसे बड़ी बैंक है। अगर केवल गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाएगी तब आप SBI बताएंगे, लेकिन ओवरऑल कंपनी HDFC जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है ना, वैल्यूएशन के मामले में। तो HDFC बैंक का ही एक यूनिट है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस पर काम करती है, तो उसी ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। अगला, UNEP रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण शहर कौन सा है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया है इसने कि बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित, ध्वनि प्रदूषित शहर है। ध्वनि प्रदूषित भी एक बहुत बड़ा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण भी। तो इसमें इसने बताया है कि बांग्लादेश जो है, इसकी राजधानी ढाका, ये 119 डेसिबल के साथ सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर है। अच्छा, दूसरे पर अपना यूपी है, यूपी भी कम नहीं है। यूपी का मुरादाबाद शहर जो है, ये 114 डेसिबल के साथ दूसरा सबसे नॉइसेस्ट सिटी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान 105 dB के साथ ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है ना, राजशाही बांग्लादेश, ये देखिए अगेन बांग्लादेश का एक शहर आ गया। उसके बाद फिर वियतनाम का है हो ची मिन्ह सिटी। ठीक है, तो ये टॉप 5 की लिस्ट है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अगर दुनिया की सबसे शांत सिटी पूछी जाए तो आप बताएंगे 60 डेसिबल के साथ एयरब्रिड जो है, ये दुनिया का सबसे शांत शहर है। ये रिपोर्ट किसने जारी की? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। रिपोर्ट का नाम था एनुअल फ्रंटायर रिपोर्ट 2022। तो ध्वनि प्रदूषण के मामले में शहरों की ये लिस्ट थी। क्लियर, आगे देखते हैं। अच्छा, बांग्लादेश आया है, आप यहाँ पर देख सकते हो मैप में, बांग्लादेश इधर है कुछ। अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ढाका राजधानी, बांग्लादेशी टका मुद्रा। शेख हसीना जी हैं यहाँ की प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है दोस्तों PV सिंधु ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है जब PV सिंधु ने यह खिताब जीता है, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। इनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्व रखता था, इन्होंने फाइनली इसको जीत लिया है। पुरुषों में अगर बात करें तो पुरुषों में भी सिल्वर मेडल आया है अपने पास। ठीक है, गोल्ड तो नहीं आ पाया क्योंकि फाइनल में हार गए प्रणय, HS प्रणय, लेकिन महिलाओं में तो गोल्ड आ गया है। महिलाओं में PV सिंधु ने दोस्तों थाईलैंड की बुसानन ओंग बाम रुंग फान को हरा दिया और महिला एकल का खिताब जीत लिया। पुरुष एकल के खिताब में, यानी कि मेन्स सिंगल्स के खिताब में, HS प्रणय जो है ये इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से फाइनल हार गए और समझ लो सिल्वर पाए एक प्रकार से। क्लियर है, यहाँ पर हम लोग PV सिंधु के बारे में बात करेंगे। PV सिंधु के करियर के बारे में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पूरा नाम इनका है, पुरसेला वेंकटा सिंधु, हैदराबाद की ये रहने वाली हैं। पुलेला गोपीचंद इनके कोच रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट है इनको आप देख लीजिए। एक और यहीं पर जोड़ दीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2020। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल?
ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। टोक्यो ओलंपिक के अलावा रियो ओलंपिक में ये सिल्वर जीत चुकी हैं। दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली ये इकलौती भारतीय महिला हैं। भारतीयों में अगर बात कर दी जाए तो दूसरी भारतीय हैं, सुशील कुमार ने इससे पहले दो ओलंपिक मेडल जीते हुए हैं, लेकिन और अगर महिलाओं में बात की जाए तो पहली महिला है, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीता हुआ है, जो कि इकलौती भारतीय हैं गोल्ड जीतने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में। 2017 और 18 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर भी जीता हुआ है। 2013-14 में ये ब्रांज भी जीत चुकी हैं, यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखो इतने मेडल आ चुके हैं इनके। एशियन गेम्स में इनके सिल्वर आए थे 2018 में, 2014 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज और सिल्वर जीत चुकी हैं, ठीक है, पुरसेला वेंकटा सिंधु। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके दोस्तों नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, गिलबर्ट हैंगबो। भूल जाइए गाय राइडर को, बहुत दिनों से आप इनका नाम याद कर रहे थे 2012 से ही, अब होंगे गिलबर्ट हैंगबो, ये होंगे न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ के हैं ये? ये टैगो के रहने वाले हैं। कहाँ के? टैगो के रहने वाले हैं। 11वें महानिदेशक ये होंगे, तो टोगो के गिलबर्ट हैंगबो को बनाया गया है। ये अगले 5 सालों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं, 1 अक्टूबर 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो फिलहाल तब तक गाय राइडर ही रहेंगे, जो कि 2012 से ही थे, 10 सालों से थे। ILO की स्थापना 1919 में हुई थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, क्लियर है। अगर पूछा जाए विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये श्रम संगठन है, तो विश्व श्रमिक दिवस दोस्तों जो है, श्रमिक दिवस जो है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 मई को। अगला देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2022 का उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता? तो अभी हाल ही में 2022 का आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड जीता है सीमा रेखा ने। किसने? सीमा रेखा ने। इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत मत कर देना, बॉर्डर लाइन हो जाएगा। सीमा रेखा यहाँ पर आपको दिख रही हैं, इन्होंने जीता हुआ है। इन्होंने हेल्थ 2.0 सम्मेलन में, जो कि दुबई में आयोजित हुआ, उसमें जीता है उत्कृष्ट नेतृत्व का पुरस्कार। एक्चुअली में ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंतर्मन कंसल्टिंग की। अंतर्मन कंसल्टिंग जो है ये कंसल्टिंग प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। ये 2 साल की अवधि में ही 13 देशों को कवरअप की और वहाँ पर कंसल्टेंसी सेवाएँ दी, इस वजह से इनको बेस्ट नेतृत्व का पुरस्कार या कहें आउटस्टैंडिंग लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे BARC इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में BARC इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शशि सिन्हा जी को। शशि सिन्हा यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इमेज में, तो इनको नियुक्त किया गया है। अब BARC का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। अच्छा, शशि सिन्हा जो हैं ये ऐसे ही मुस्कुराते नहीं दिख रहे हैं, ये बहुत सारे मीडिया ब्रांड्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के प्रतिनिधित्व करता भी रहे हैं। ये IPG मीडिया ब्रांड्स इंडिया के CEO है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब ये पुनीत गोयनका जी के स्थान पर BARC इंडिया की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो पुनीत गोयनका वैसे दोस्तों ये जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो फिलहाल शशि सिन्हा को BARC का बनाया गया है नया अध्यक्ष, क्लियर। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। बहुत ही कम समय में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग करेंगे रिवीजन। तो रिवीजन चल रहा है जो टॉपिक बाय टॉपिक का, इसमें आज बारी है ब्रांड एम्बेसडर की। हम लोगों ने पुस्तकें लेखक कवर अप किया, हम लोगों ने सैन्यभ्यास कवर किया, अब ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे, ठीक है ना। एक एक टॉपिक बाय टॉपिक कर करके आपका तैयार करवाया जा रहा है। तो डेली करंट अफेयर के साथ साथ आप 2022 के जो 3 महीने के, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों के हर एक टॉपिक को कवर करते चल रहे हो, इसलिए डेली आया करो, डेली वीडियो देखा करो, कोई वीडियो मिस मत करो। यहाँ पर देखिए लिस्ट दी गई है और यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स की लिस्ट दी गई है, आपको इनमें से छांटना है। ये मिक्सअप है बिल्कुल, ठीक है ना, इनमें से छांटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए इज माई ट्रिप। तो इज माई ट्रिप का अगर आपने प्रचार देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो विजय राज और वरुण शर्मा के द्वारा बनाया गया है, यही प्रमोट कर रहे हैं। तो इन दोनों को बनाया गया है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर, एक नंबर डाल दो। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बनाया गया है सैफाली वर्मा को। किसे? सैफाली वर्मा को, BOB, ब्रांड बैंक ऑफ बड़ौदा का सैफाली वर्मा को। सैफाली वर्मा दोस्तों इंडियन वीमेन टीम की क्रिकेटर है। LLC ऑल वीमेन रेफरी टीम का राजदूत। तो ऑल वीमेन रेफरी टीम का राजदूत या एम्बेसडर कहे बनाया गया दोस्तों किसे? झूलन गोस्वामी को, ये भी क्रिकेटर हैं, 3 नंबर डाल दो। इसके अलावा रिन्यू बाय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रिन्यू बाय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया राजकुमार राव को,
चार नंबर यहाँ पर डाल दो। राजकुमार राव दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो ये सिस्का एलईडी के भी हैं, सिस्का एलईडी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, टीच मिंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, टीच मिंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है ना। तो राजकुमार राव का नाम आप याद रखेंगे। जैकब क्रिक्स का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किसे बनाया गया, मिताली राज को बनाया गया, पांच नंबर यहाँ पर डाल दो। मिताली राज दोस्तों आपको पता होगा दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करने वाले खिलाड़ी बन गई हैं, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली, सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाली और दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक खेलने वाली क्रिकेट ये महिला खिलाड़ी पहली बन गई हैं। 20 साल से ऊपर का करियर इनका हो गया है, ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम बन चुके हैं। और फिलहाल इस वर्ल्ड कप में जो कि महिला वर्ल्ड कप चल रहा था दोस्तों न्यूजीलैंड में, इसमें भारत का सफर खत्म हो चुका है। तो अब मिताली राज संन्यास भी लेंगे, मिताली राज और झूलन गोस्वामी दोनों संन्यास ले सकती हैं, ठीक है। फिलहाल UASG भाषाओं का इंटरनेट पैनल का ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनाया गया, तो इसके बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा छः नंबर यहाँ पर डाल दो। ये पेटीएम के संस्थापक हैं, फाउंडर एंड CEO हैं और पेटीएम पर अभी बैन भी लगा दिया था RBI ने, आपको पता होगा, ठीक है ना, न्यू कस्टमर जोड़ने पर। गुड डॉट के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा, एक बलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाया है ओलंपिक में भारत को, सात नंबर यहाँ पर डाल दो। क्लियर, तो इस प्रकार से आपने ब्रांड एम्बेसडर पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी लिस्ट भी है आपके सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है ऑस्कर 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता। अच्छा, लगे हाथ आप लोग हमें बता देना कि बाफ्टा में और गोल्डन ग्लोब में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो, अगर आप डेली यहाँ पर वीडियो फॉलो करते हो तो जरूर आप आंसर कर ले जाओगे। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो जरूर बताना। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताया करो, आप लोग के कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, आज सभी लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे और व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के बाद टेलीग्राम पर इमेज सेंड करेंगे, देखते हैं कितने लोग टेलीग्राम पर हमें फोटो भेजते हैं कि स्टेटस वो लगाए हुए हैं। देखिए वीडियो में अगर आपको क्वालिटी में कहीं पर भी कमी लगे तो आप कमेंट कीजिए हमें बताइए, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो देख रहे हो डेली फ्री में तो आप भी इसको शेयर करो, आपका ही चैनल है, प्रमोट करो इसे, ठीक है। क्विज की बारी है, वीडियो देख लिए हो, क्विज भी जाकर के एप्लीकेशन पर सॉल्व कर लिया करो, अगर आज की नहीं आई हुई है तो कल का क्विज सॉल्व कर लो पहले, ठीक है ना, दिन भर में आज का भी क्विज आ जाएगा। क्विज सॉल्व करने से क्या होता है, आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप हमारे पेड बैचेस भी लेना चाहते हो तो पेड बैच भी ले सकते हो, MJT20 ये है कूपन कोड, इस कूपन कोड को यूज करने पर अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे सभी पेड बैचेस में, आप ये सारी चीजें MJT ऐप पर जाकर ले सकते हो। चलिए बस फिलहाल इतना रखते हैं वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।